नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हंसी की आवाज़। आज हम खड़े हैं कृष्ण प्रणामी स्कूल में एक बार फिर से प्रकृति मित्र समिति के तत्वाधान में वैक्सीनेशन कैंप लग रहा है। प्रकृति मित्र सेवा समिति क्या कार्य करती है? प्लांटेशन का कार्य करती है, बहुत समाज सेवा का कार्य करती है। उनके दोनों ही संयोजक व प्रधान मेरे साथ हैं, शशिकांत यादव जी। पहले मैं इनसे ही बात करूँगा। शशिकांत जी, आप प्रकृति संरक्षक हैं, काफ़ी पौधारोपण करते हैं। आज वैक्सीनेशन कैंप लगवा रखा आपने। जी जी। और कल आपने पौधारोपण भी किया, वृक्षारोपण किया। जी बंसल जी, प्रकृति मित्र समिति पर्यावरण के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर फील्ड में काम करती है। उसी कड़ी में हम पौधारोपण, आपको पता है, समय समय पर जगह जगह जहाँ में लगता है और जो भी लोग इच्छुक होते हैं वहाँ पौधारोपण करवाते हैं। और कोरोना काल में पौधे की, ऑक्सीजन की कमी में पौधे की जरूरत थी, और वैक्सीनेशन की इलाज के रूप में हम इसको कह सकते हैं, ट्रीटमेंट आने वाले बचाव के लिए इसकी ज़रूरत है। तो इस दोनों फील्ड में हम काम कर रहे हैं। ये हमारा पहला कैंप है और सख्त ज़रूरत थी लोगों को इसकी, और लोग अवेयर भी हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस भी रहा लोगों का। कितना उत्साह है लोगों में वैक्सीन के प्रति? कोविशील्ड वैक्सीन लग रही है यहाँ? जी जी, कोविशील्ड है, पहली और दूसरी डोज दोनों ही लग रही हैं। अच्छा, तो काफ़ी उत्साह है और जागरूक भी हैं लोग, सब अपने नंबर के हिसाब से वैक्सीन ले रहे हैं। लोगों में अवेयरनेस है? काफ़ी अवेयरनेस है, बहुत ज़्यादा। आप अवेयरनेस अभियान भी चलाते हैं, पौधारोपण का भी चलाते हैं, और एजुकेशन का भी है, और ब्लड डोनेशन का भी मैंने आपका देखा है। जी जी, पहले दो तीन ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं हमने, ये यहाँ परनामी स्कूल में भी एक लगाया था पीछे, और हेल्थ चेकअप कैंप भी हम लगाते हैं, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप। हम आपको सैल्यूट करते हैं कोरोना वॉरियर। थैंक यू। मेरे साथ हैं ईश्वर बडाला जी, डॉक्टर ईश्वर बडाला जी, जो है ये भी आपके सहयोगी और संयोजक हैं आज इस वैक्सीनेशन कैंप के। डॉक्टर साहब बताइए। राजू जी, पहले तो नमस्कार, आप यहाँ हमें प्रोत्साहित करने के लिए पहुँचे और हमारी जो कार्यक्रम है उसको प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे पहुँचे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, ये हमने प्रमत्र जो प्रकृति मित्र जो हमारी संस्था है, इसमें हम लगातार काम कर रहे हैं, और रूटीन में ही हम ब्लड कैंप भी, और जैसे आज वैक्सीनेशन कैंप है यहाँ पर, इसमें लगभग 500 के आसपास डोजें आई हैं। 500 डोज? जी सर, जिसमें फर्स्ट डोज भी है, सेकंड डोज भी है, और तकरीबन अब तक 225-250 मतलब वैक्सीन लग चुकी हैं, और 250-300 वैक्सीन और हमारा टारगेट है कि वो 3:30 बजे तक वो कवर कर दें हम लोग। और इसके साथ ही काफ़ी प्रोत्साहन मिला हमें स्कूल के जो चेयरमैन हैं, कृष्ण प्रणामी स्कूल के जो चेयरमैन राजपाल यादव जी हैं, प्रिंसिपल अनिल कुमार जी हैं, और इसके अलावा हमारे जो आप देख ले कौन क्राइम करा रहा है, किसका किसके ऊपर आता, उन्होंने भी काफ़ी प्रोत्साहन। बिल्कुल आते हैं। और आप क्या चैलेंज करते हैं? वो वादा भी करके गए हमारे पास कि भाई हमारे से के जो भी आपको कैंप्स वगैरह के लिए जो आप पौधारोपण कर रहे हैं, ब्लड कैंप वगैरह लगा रहे हैं, वैक्सीनेशन कैंप वगैरह लगा रहे हैं, स्वास्थ्य कैंप वगैरह जो आप लगा रहे हैं, हम तत्पर रहेंगे आपकी सहायता के लिए, आपकी सेवा के लिए। तो वो मैं शशिकांत से आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूँ कि थर्ड लहर की आशंका बताई जा रही है, क्या आपको लगता है कि वैक्सीनेशन कम्प्लीट होने पर थर्ड लहर रुक जाएगी? बिल्कुल राजीव जी, जैसा कि पढ़े लिखे हैं आप, तो MSc हैं, LLB हैं, काफ़ी पढ़ा है आपने सारा। देखो वैसे तो राजीव जी, जैसा आप लोगों के माध्यम से मैं सुनने को मिल रहा है कि थर्ड वेव के काफ़ी हद तक चांस है, और लेकिन वैक्सीनेशन के बारे में बताया जा रहा है, काफ़ी हद तक जहाँ तक वैक्सीनेशन लगी है तो काफ़ी हद तक बचाव रहेगा। हम इसको ये नहीं कह सकते कि 100% ये थर्ड वेव को रोक देगा, लेकिन कम भी नहीं रहेगा, इससे काफ़ी हद तक प्रभावित रहेगा। जिसने भी पीछे हमने देखा है, जिसने वैक्सीन ली थी, तो उसमें लगभग 10% ही वो उसको प्रभावित कर पाए। धन्यवाद साहब, ये थे दोनों वार वॉरियर, ईश्वर बडाला जी और शशिकांत यादव जी। जरूर प्रकृति के साथ किसी ने छेड़छाड़ की होगी, वरना आज हमें गंगा जल की बजाय अल्कोहल से हाथ नहीं धोने पड़ते। इसी अल्कोहल से हाथ धोने से छुड़वाने के लिए ऐसी ऐसी संस्थाएं, प्रकृति मित्र समिति जैसी संस्थाएं उभर कर आती हैं। हम दोनों का ही सैल्यूट करते हैं, हंसी की आवाज़ से आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमेशा समाज सेवा में लगे रहते हैं सर, आप भी लगे रहते हैं।